वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आम अमित वरीदी किलोर। एक साल से भी अधिक समय हो चुका है भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली में स्कर्मिशेज हुए थे। वो जो टेंशन थी, बॉर्डर टेंशन, वो पिछले एक साल से हमारे बॉर्डर्स पर वो फ्रिक्शन बना हुआ है। हाउएवर धीरे धीरे हमने पीसफुली उस बॉर्डर की जो प्रॉब्लम है चाइना के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं कि जो दोनों के दोनों देश अपने जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर वापस लौट जाएं और एक बीच में बफर जोन इस्टेब्लिश कर दें जिसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट ना हो। दोनों के दोनों देशों ने पिछले एक साल में कई सारे से टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बना लिए थे। उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे कंट्रीज के द्वारा, जो बेसिस बनाई गई थी टेम्परेरी, उन सबको डिसमेंटल कर जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर पहुंचने की बात कर रही है। शांति वार्ता में प्राइमरी इसी बात पर फोकस किया जा रहा है कि जितने भी इश्यूज हैं उनको पीसफुली सॉल्व कर लिया जाए और जहां जहां पर भी टेंशन थी, जहां जहां पर भी फ्रिक्शन था, वहां पर एक प्रकार का बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। तो बेसिकली भारत ने ये नई स्ट्रेटेजी अपनाई है रिलेटेड टू दी बफर जोन, कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए जहां पर ना आप जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं फॉर दिस मोमेंट। द क्वेश्चन इज दैट इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट के लिए, जो ये बफर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? डज इंडिया हैव अ प्लान बियॉन्ड इट? उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं गोगरा डिसएंगेजमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले जो गोगरा नाम का जो प्लेस था वहां पर भारत और इंडिया के बीच में एक शांति वार्ता हुई थी 31 जुलाई को। उन डिस्कशन के बेसिस पर जो गोगरा हाइट्स थी वहां पर डिसएंगेजमेंट का डिसीजन ले लिया गया कि वहां पर जो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, जो हमने एक दूसरे के आसपास जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रखे थे आर्मी ने, वो सब हटा दिए जाएंगे, बीच में एक बफर जोन एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए पहले पूरे हम अपने मैप को समझ लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ये तो हमें सबको पता है कि ऊपर एक गिलगिट बाल्टिस्तान का जो पूरा का पूरा एरिया है वो इस समय पाकिस्तान के कंट्रोल में है, गिलगिट बाल्टिस्तान। और दूसरा पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर का एक ये हल्का सा एरिया है जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ पर सक्षगाम वैली, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, उसका है नहीं परंतु उसने चाइना को सीड कर दिया। नेवरदलेस 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था, तब से जम्मू एंड कश्मीर का ये अक्साई चिन का हिस्सा, ये और इतना इधर से तिब्बत की साइड से, ये चाइना के कंट्रोल में है। पिछले साल मई 2020 में गलवान वैली, यहाँ पर चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में स्कर्मिशेज हो गए थे एंड उसके बाद से बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ी रही एंड तब दोनों तरफ से इस पूरे के पूरे जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, यहाँ पर इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है। हाउएवर द पीपल आर ट्राइंग कि बेसिकली इसको आसानी से सॉल्व कर दिया जाए। यहीं पर इसी जगह पर हॉट स्प्रिंग्स के पास एक जगह है जिसका नाम है गोगरा, ठीक है। द डिसएंगेजमेंट इन द गोगरा हाइट्स इन द ईस्टर्न लद्दाख हैज बीन कंप्लीटेड। दोनों की दोनों साइडों ने डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी अपनी परमानेंट बेसिस पे पीछे चले जाएंगे। तो जो कॉर्प्स कमांडर है आर्मी के, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है 12वीं लेवल मीटिंग पे, जो कि जुलाई 31 को हुई थी। भारत और चाइना इस अग्रीमेंट पे भेजे पहुंच गए कि चलिए यहां इस एटलीस्ट इस प्लेस पर गोगरा हाइट्स के ऊपर डिसएंगेज कर देते हैं। तो जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था वो देखिए यहां पर, ये स्पेसिफिकली दिस इज द एरिया गोगरा, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स के पास है, गलवान वैली से थोड़ी सी दूर है। यहाँ पर डिसएंगेजमेंट का कंप्लीट डिसीजन ले लिया जा चुका है। 4 से 5 अगस्त के बीच में डिसएंगेजमेंट पूरी की पूरी कैरी की गई थी। दोनों की जो साइड्स के जो ट्रूप्स थे दे हैव रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव, जितने भी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स दोनों आर्मीज ने बना लिए थे उन सबको डिसमेंटल कर दिया गया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ से हटा लिया गया था एंड दोनों के दोनों आर्मीज ने एक दूसरे को वेरीफाई कर दिया कि अपने अपने स्ट्रक्चर्स हटा लिए, ठीक है। एंड द लैंडफॉर्म इन द एरिया हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय दी प्री स्टैंड ऑफ एरिया। तो बिल्कुल प्री स्टैंड ऑफ, जैसे भी लड़ाई अप्रैल मई 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी एग्जैक्टली वैसा का वैसा कर दिया गया है। दिस इज द स्ट्रैटेजी विच इंडिया इज टेकिंग टूवर्ड्स द चाइना राइट नाउ। चाइना और इंडिया बॉर्डर पर जो भी फ्रिक्शन है उसको खत्म करने के लिए यही प्रोसेस अपनाया गया है जिसको बफर जोन मॉडल कहा जा रहा है, जहाँ पर बोथ साइड्स टेम्पररली सीज पेट्रोलिंग इन द डिस्प्यूटेड एरियाज, ठीक है। एक्चुअली में पहले क्या होता था कि ये पूरा का पूरा जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दिस हैज बीन ए मोर और लेस ए डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है। इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी दोनों की दोनों यहाँ पर पेट्रोल किया करती थी और काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल अग्रीमेंट था कि हम यहाँ तक पेट्रोल करते हैं, वो यहाँ तक पेट्रोल करते हैं। बट मई 2020 में इसी चीज़ को ब्रेक इन कर दिया गया था एंड चाइना एंटर्ड फार मोर देन दे यूज टू पेट्रोल, जिसकी वजह से झड़प हो गई दोनों के दोनों सैनिकों में।
दोनों की दोनों आर्मीज में. एंड सिंस देन दोनों की दोनों आर्मीज ने बेसिकली कई जगहों पर अपने कई जो प्लेसेस थे, जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस थे, जो स्ट्रेटेजिक माउंटेन्स या हाइट्स थे, वहां पर एक दूसरे के सामने आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस बना लिए थे. अब उसी चीज को डिसएंगेजमेंट करना कहते हैं कि भाई अब एक काम कीजिए, वापस जो परमानेंट वाले वहां पर चले जाइए, और जो बीच में जहां पर हम यूजुअली पेट्रोल करते थे वहां पर पेट्रोल ना होकर वहां पर बेसिकली बफर जोन बना दिया जाए. दिस इज नोन एज द बफर जोन मॉडल ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट राइट नाउ. अब सवाल यह है कि एट दिस मोमेंट दिस इज कीपिंग इन पीस. हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों से तो किसी प्रकार की लड़ाई, 6 महीने से तो कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं सुना है. सो पीस तो एक प्रकार से एक लेवल की अचीवेबल हो रखी है. हावेवर वन शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेम्पररी मेजर एंड एट नो कॉस्ट इंडिया शुड नॉट एक्सेप्ट इट एज द परमानेंट. क्यों? परमानेंट हो जाएगा तो इट वुड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम एनफोर्सिंग इट टेरिटोरियल क्लेम्स, और इसका बेसिकली फायदा होगा आर्मी, चाइना की आर्मी को. तो बफर जोन इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, बट डेफिनेटली इट इज़ ए टेम्पररी स्ट्रैटेजी. वैसे ही अक्साई चिन का जो पूरा का पूरा एरिया है, विच इज़ टेक्निकली क्लेम्ड बाय इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय चाइना राइट नाउ, उसको भी क्लेम करने के लिए ये चाइना की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है. चाइना की स्ट्रैटेजी ये है कि बफर जोन इस्टेब्लिश हो जाएगा सो वी विल एक्चुअली हैव टू गिव आवर टेरिटोरियल क्लेम्स टू द अक्साई चिन, या फिर बेसिकली आने वाले समय में हम इस समय अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप ना कर पाए. दो प्रकार की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है. अब ये वाली बात है कि एट दिस मोमेंट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी डी एस्केलेशन. सबसे पहले तो कंप्लीट डी एस्केलेशन होनी चाहिए ताकि विड्रॉल ऑफ सम न्यू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स दैट हैव कम क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो जैसे ही आर्मी के बीच में किसी प्रकार का स्कर्मिश होता है या फ्रिक्शन होता है तो दोनों के दोनों देश अपने आर्मी को डिप्लॉय कर देती है बॉर्डर के और ज्यादा पास. तो कंप्लीट डी एस्केलेशन का मतलब है कि जो आर्मी पास में डिप्लॉयड है उसको बेसिकली वापस अपनी जो इंटरनल बेसिस है उनके ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाए. तो बफर जोन हो चुका है, फाइट होना थोड़ा सा बंद हो चुका है. एक अगला स्टेप बचा है कंप्लीट डी एस्केलेशन का, कि जब हमारी आर्मीज एक दूसरे के सामने डिप्लॉयड भी ना हो. इंडिया हैज सिग्नल दैट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर दी लॉन्ग हॉल. इंडिया ने बोला कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर काफी लंबे समय तक डिप्लॉय करने के लिए जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि अगर जब तक रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, जब तक फुल रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मेलसी ना हो सके. सो दिस इज द सिचुएशन एट दिस मोमेंट. सवाल यह है, चाइना का मिलिट्री एम ये था कि दे वॉन्टेड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, भारत इन पूरे के पूरे एरिया में बॉर्डर रोड्स बना रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, एंड चाइना वांटेड टू स्टॉप इट. इन अ माइनर वे दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग इट. व्हाई? क्योंकि हमें इमीडिएटली अपने आर्मी को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ा. इस चीज का बहाना लेके उन्होंने अपनी आर्मी को सामने डिप्लॉय कर दिया एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शन. अब इस फ्रिक्शन को, सिचुएशन को डिसएंगेज करना है. डिसएंगेज करने के लिए बीच में बफर जोन क्रिएट कर दिए गए. बफर जोन क्रिएट करने के साथ साथ इन जो कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स हैं इसमें किसी प्रकार की नेगोशिएशंस हुए होंगे, जहां पे एक दूसरे के से हमने इस बात पे भी बातचीत की होगी, चलिए हम कुछ और कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम नया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे इस समय में. सो एक तो उनका आइडिया था कि भाई बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने देना है एट दिस मोमेंट यहां पर किसी भी एरिया के अंदर. दूसरा, स्पेसिफिकली वो बफर जोन क्रिएट कर अपने जो टेरिटोरियल क्लेम्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे. Then why did India go for this buffer zone model? At this moment, this is a good strategy if you think about it. Reason being, जब तक India will not bridge the huge differential in the national power vis-a-vis China, जब तक हम चाइना के साथ जो हमारा actual, जो ऑब्जेक्टिवली नेशनल पावर में डिफरेंस है उसको ब्रिज नहीं करेंगे, टेकिंग ऑन चाइना वुड बी एक्चुअली बी अ बैड डिसीजन. इस समय अगर हम एक्सपोर्ट पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाइना एक्सपोर्ट्स $2.5 trillion ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन ईयर, इंडिया एक्सपोर्ट्स $300 billion. हमारी आर्मी इस समय मिसमैच्ड है बिकॉज चाइना हैज बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम द लास्ट 3 decades. पिछले 30 से 40 सालों तक कंसिस्टेंटली वो डेवलप जीडीपी उसकी ग्रो कर रही है एंड दे हैव बिकम अ ह्यूज पावर हाउस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एंड ऑल्सो मिलिट्री फैक्टर्स. इंडीड दैट इज द रीजन वाई दे कीप ऑन पिकिंग अप फाइट्स विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब हमें 2 से 3 decade की सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए ताकि हम अपने जीडीपी को चाइना के लेवल पर ला सके, इवन टू द हाफ या हाफ से या 70%, 80%. वी एक्चुअली हैव द कैपेसिटी टू चैलेंज चाइना इन देयर इकोनॉमिक माइट. लेकिन अगर हम 50-70% ऑफ चाइना की जीडीपी भी अचीव कर लेते हैं, देन वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन डायरेक्टली चैलेंज देम. मिलिट्री बजट, हमारे देश का जो मिलिट्री बजट है या जो रिफॉर्म्स हैं या जो मॉडर्नाइजेशन है, नए जहाज खरीदने, नए हथियार खरीदने हैं, नेवी को बड़ा करना है, पावरफुल करना है, ऑल ऑफ दैट इज ओनली कंटिंजेंट ऑन द इंडियन इकॉनमी. इंडियन इकॉनमी अगर पावरफुल है तो मिलिट्री पावरफुल है. दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड, इसमें कोई और कुछ भी नहीं है.
गवर्नमेंट इस समय करेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके गई है। पहले हमने अभी बफर जोन को एक्सेप्ट कर लिया, दिस विल हेल्प अस इन डिफ्यूजिंग द सिचुएशन। तो सबसे पहले तो ये फायदा हो गया, एक डायरेक्ट कोरिल, एक कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, दिस होगी एंड वी विल बाइड आवर टाइम, दिस विल गिव अस सम टाइम टू चैलेंज चाइना व्हेन वी आर रेडी टू डू सो। बट इनवेरिएबली द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी, एवरी सिटीजन ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना और USA or any other country actually is depending on the economic mind. And there is an example also. Pakistan, at least 20 years ago, used to feature, was a very important country when we were deciding our foreign policy. But now it doesn't matter to us. It is, Pakistan is truly irrelevant to Indian foreign policy, yeah, to Indian fate, yeah, to Indian destiny. Why? इकॉनमी, क्योंकि अब पाकिस्तान हमसे इकॉनमी में इतना छोटा हो गया है कि अब वो हमारे लिए मैटर करना ही बंद कर दिया है। इफ यू रियली नीड टू चैलेंज चाइना, इट इज द इकॉनमिक प्रोग्रेस दैट मैटर्स। देर इज अ नीड टू, इसके साथ साथ जो अभी आने वाले कुछ ईयर्स में या डेकेड्स में जो हमें करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें नए प्रोटोकॉल्स और नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने पड़ेंगे एज बोथ साइड्स ग्रेजुअली रिज्यूम पेट्रोलिंग इन दी बफर जोन्स। तो अभी तो बफर जोन बनाए गए हैं, बट हम उसको वहाँ पर वापस पेट्रोलिंग के लिए भी जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि डिसंगेजमेंट करने के बाद वहाँ पर नॉर्मल पेट्रोलिंग स्टार्ट किया जाए। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि दोनों देशों को एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का ये ना हो कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो शक कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये जो मल्टीपल ट्रांसग्रेशन है चाइना के लास्ट ईयर की जो वायलेंस थी, नाउ दिस इज डेफिनेटली हमारे दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस थे, दे हैव सेट बैक इट फॉर अ वाइल। एंड ये बात पर भी डाउट आ गया है कि विल चाइना विल कंटिन्यू विद दिस बिहेवियर और नॉट, एंड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड द अग्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट देयर नेबर्स विच दे आर फेसिंग इट, वी हमारा जो डाउट है वो काफ़ी वैलिड भी है। तो इसके लिए नए कुछ प्रोटोकॉल सेटअप करने पड़ेंगे ताकि चाइना को अंडरस्टैंड करना पड़े कि भाई इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो नॉन नेगोशिएबल है एंड यू कांट कीप ऑन डूइंग दैट। विद रीसेंट मूव्स ऑफ रिस्टोरिंग द पीस, दिस इज सर्टनली वेलकम, बट हाँ एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड फाइनली वी ऑल्सो नीड टू फिगर आउट हाउ टू बिकम इक्वली पावरफुल टू चाइना। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू नीड टू ज्वाइन फॉर द PDF एंड द अपकमिंग नोटिफिकेशन। ऑल्सो इफ यू नीड टू टॉक टू मी और हिट मी, यू कैन चूज एनी ऑफ योर चॉइसिस ऑफ द सोशल मीडिया टू स्पीक टू मी। हैव अ नाइस डे।